गाइस वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। और आज मैं जा रही हूँ अपने घर। और अभी है गर्मी का महीना और आपको पता ही चल रहा होगा कि अरे गर्मी के महीने में बारिश कैसे हो गई। तो मैंने बोर्ड किया था मॉर्निंग फ्लाइट और मॉर्निंग बेंगलोर में एनवायरनमेंट काफ़ी ही अच्छा रहता है, तो उसके वजह से हो रहा था यहाँ पर बारिश। और मैं चली अपने घर और वहाँ पर लैंड करते ही दिखाऊँगी कैसे हमने होली सेलिब्रेट किया। तो पहले रीच करते ही हमने ख़रीदा स्वीट्स घर के लिए, तो सबके लिए चाहिए होता है, तो बहुत सारे वैरायटी थे यहाँ पे, तो मैंने पैक करवा लिया घर के लिए। और मुझे लेने आए थे मेरे रिलेटिव, तो मैं चली बाइक में अपने गांव। वहाँ पे तो बहुत ही मस्ती होता है और बहुत दिन के बाद मैं जा रही थी, तो वो वाला फीलिंग्स तो बहुत ही अच्छा ही होता है। तो अभी मैं चल रही अपने घर के और, तो देखो कितना मॉर्निंग के टाइम कितना ज़्यादा फॉग हो के रखा है। तो अभी हम लोगों का पूजा का कैसे होता है वो सब दिखा दूँगी। तो ऐसे ही है हमारा छोटा सा घर और यहाँ पर होता है हमारा जितने सारे फेस्टिवल होते हैं गाँव में, वही सारा ही दिखाऊंगी कि होली में कैसे क्या करते हैं ये लोग। शायद उड़ीसा में थोड़ा अलग होता होगा और बाकी दूसरी जगह पे थोड़ा अलग ही रहता है। तो यहाँ पे जो भी फेस्टिवल होते हैं वो काफ़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो पहले अभी तो दोपहर का टाइम था, तो उसके वजह से ये लोग पूजा करने के लिए आए थे और पूजा करेंगे। और उसके बाद स्टार्ट होता है होली का, जो कि नेक्स्ट डे होता है, जो कि बहुत ही मस्ती वाला टाइम है। और यहाँ पे जो बच्चे लोग होते हैं काफ़ी ही एंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही होता है हमारा पूजा रिचुअल, जैसे आप लोगों के साइड रहता होगा या नहीं वो तो मुझे नहीं पता। तो ऐसे ही जो लोकल रहते हैं वही लोग अपना पूजा वगैरह करते हैं और वो भगवान को लेके आते हैं हर घर में। और पूजा के लिए वो लोग हर किसी के घर में जाते हैं एक बार। तो गांव में जितने लोग भी रहते हैं सबके घर में ही रहता है ऐसे रिचुअल्स वगैरह करने के लिए। तो सभी लोग अपना जो पूजा में सामान ये करना है वो सब लगा के रखते हैं सेटिंग करके। और जब भी पूजा स्टार्ट होता है तो वो लोग आके अपना करते हैं। तो सबके घर में ही है ऐसे ही सिस्टम, तो बहुत ही अच्छा फीलिंग्स ही आता है। और अभी उनका हनुमान बन के भी एक जब बंदा आया हुआ है वो, जो कि सबको आशीर्वाद देते हैं। और मैं दिखाऊंगी, वो एक्चुअली इंसान ही होते हैं पर वो अपना हनुमान बन के ही वो लोग आते हैं। और उनको हमें कुछ देना पड़ता है, उसके वजह से वो लोग आशीर्वाद भी देते हैं। देखो वो ऐसे सब ये करके करते हैं, तो अच्छा ही रहता है। देखो विलेज लाइफस्टाइल में कैसे बैकग्राउंड में कैसे ये है। और अभी आए वो लोग अपने घर में, सबके घर में आते हैं पूजा करने के लिए राधा कृष्ण का मूर्ति लेके। और बच्चे जो है वो सब चॉकलेट्स के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। लाइक आपको उनको बिस्किट या चॉकलेट अगर आप देते हो तो वो लोग लेते हैं और बहुत खुशी हो जाते हैं। तो आप लोग देखते रहो कि कितना मस्ती होने वाला है। और मैंने भी पहले से ही चॉकलेट खरीद के रखा हुआ था, क्योंकि इतने सुबह तो दुकान वगैरह भी नहीं खुलता है, तो हम लोग भी पहले से ही चॉकलेट रखे हुए थे। तो बच्चों को अगर आप देते हो तो वो लोग वो खुशी से बस कलेक्ट करते रहते हैं। खाना तो उनको स्कूल में ही है, तो उसके बाद भी अपने स्कूल को कैरी करके लेके जाते हैं और आराम से इंजॉय करते रहते हैं। थैंक यू गाइस। तो देखो उसके बाद क्या मस्ती करते हैं ये लोग, बच्चे लोग डांस वगैरह भी करते हैं डीजे का, और होली का कलर वलर भी लगाते हैं। मेरे को स्किन एलर्जी रहती है तो मैं ज़्यादा कलर यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि आजकल तो पता ही है कैसे कलर रहते हैं। और यहाँ मेरे ग्रैंड फादर जो है 100 ईयर्स के हो गए हैं और वो अपना भगवान को कुछ पैसे देते हैं हर साल। जब भी कोई हमारे घर में आता है होली के टाइम तो वो पैसे प्रोवाइड करते हैं। और अभी ये लोग गए और उसके बाद देखना बच्चे लोग अपना डीजे स्टार्ट करके आएंगे और होली वगैरह खेलेंगे। तो यहाँ पे वो लोग सेट कर रहे हैं सब और अपना स्टार्ट कर लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली गाइस सब्सक्राइब। Thank you.